निकाय चुनाव को लेकर तमाम प्रत्याशी मैदान में है, अपने अपने क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और क्षेत्र की जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। हमारे साथ चिन्हा द्वितीय वार्ड से शैलेंद्र हैं जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। बात कर लेते हैं शैलेंद्र जी, सुबह से आप लोग रैली निकाल रहे हैं, काफ़ी संघर्ष जारी है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए रैली निकलना हम लोग का एक होता है, आज हम तो ये कहेंगे भगवान इंद्र का भी जो है क्या कहते हैं एक अच्छा मैसेज गया कि उन्होंने हमारे ऊपर जो है एक पुष्प वर्षा जैसे होती वैसे ऊपर से भगवान जल छिड़का और एक वातावरण अच्छा बना और हम लोग पूरी क्षेत्रीय जनता के साथ में चल रहे हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता चाहे वो मुख्यमंत्री स्वयं हो या डिप्टी सीएम हो प्रत्येक वार्ड में जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। पहली बार देखा जा रहा है कि निकाय चुनाव में इतने बड़े लीडर उतर रहे हैं? देखिए ऐसा नहीं है, हमेशा उतरते आए हैं, अब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए आप लोग सबको दिख रहा है कि हमारे बड़े लीडर उतर रहे हैं। अगर बड़े लीडर यहाँ लखनऊ में हैं तो बिल्कुल स्वाभाविक बात उतरेंगे, हमारे डिप्टी सीएम माननीय ब्रजेश पाठक जी लखनऊ से ही विधायक हैं इसलिए जो है उस क्षेत्र में उनके जाने की है, लोकप्रियता उनकी इतनी ज्यादा है कि सभी वार्डों में उनकी डिमांड हो रही है कि हमारे वार्ड में आए और जो है जनता चार्ज करें। लंबे समय से जो है लखनऊ में बीजेपी का मेयर रहा है, पार्षद भी अधिकतर जीतते रहे, इस बार भी लगता है कि आप अपना रिजल्ट दोबारा दोहराएंगे और उससे बेहतर होगा? नहीं, हम तो रिजल्ट दोहराएंगे, मेरा तो मानना है कि इस बार जस्ट डबल हमारी जीत होगी क्योंकि जनता का हमें पूरा स्नेह प्यार मिल रहा है। जिस जगह में मैं जाता हूँ लोग खुद हमसे कहते हैं कि आपको आने की आवश्यकता नहीं है, हम जो है आपके खुद ही आएंगे, आप दूसरी जगह संघर्ष करिए जहाँ पे जरूरत है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि जो है इतिहास बदलने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी का कहीं दूर दराज कोई कुछ नहीं है और लखनऊ में तो समाजवादी पार्टी केवल घूम रही है, गाड़ियों काफिला लेके घूम रही है, जनता उनके साथ कहीं नहीं है। 13 तारीख को आप आगामी 13 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब आप देखिएगा समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति होती है लखनऊ में और खास तौर पर चिन्हट द्वितीय वार्ड में भी देखिए क्या होगी। जी ठीक, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के चिन्हट से प्रत्याशी शैलेंद्र, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है और निकाय चुनाव में जीत के बाद ये ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी जिससे विकास को और गति मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।